फिर दूसरा इम्पोर्टेंट हम देखेंगे अंगूठा थम थम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द इसके बिना हाथ का विवरण पूरा ही नहीं हो सकता इतना इसका इम्पोर्टेंस है क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि थम के दो पार्ट हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जो नाखून है थम का वो वाला ऊपर वाला हिस्सा और जो नीचे वाला हिस्सा मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ ये थम है तो ये यहाँ पे हमको दिख रहा है ये दो लाइंस इसके ऊपर वाला हिस्सा इसको हम फर्स्ट फैलेंज बोलेंगे और इसके नीचे वाला हिस्सा इसको हम सेकंड फैलेंज बोलेंगे फर्स्ट फैलेंज सेकंड फैलेंज तो ये दो पार्ट है थम के तो ऊपर वाला जो पार्ट है जो नाखून से जुड़ा हुआ है इसको हम पार्ट ऑफ विल पावर बोलते हैं विल पावर इच्छा शक्ति कोई भी चीज़ करने के लिए इच्छा बहुत इम्पोर्टेंट है तो अभी देखो किसी के हाथ में बहुत सारी अच्छी लाइंस हैं से उसको भाग्य रेशा अच्छी है रवि रेशा सन लाइन अच्छी है हेड लाइन अच्छी है और उसका विल पावर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा बहुत ही छोटा है या अनडेवलप्ड है तो इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं आप इसको देख के इंटरप्रिटेशन करोगे कि आप आपका भाग्य बहुत अच्छा है आप बहुत पैसे कमाते हैं, आप बहुत नेम और फेम है कोई नहीं क्योंकि ये अकेला ये कैरेक्टर है विल पावर अगर किसी व्यक्ति में विल पावर ही नहीं है तो इसमें जो भी क्वालिटीज़ जो भी स्किल्स दूसरे हा, हाथ हाथ के दूसरे हिस्से में दिख रही है उसका वो कोई उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि विल पावर ये मेन पावर है जो हमारे क्वालिटीज़ को मटेरियलाइज करती है प्रत्यक्ष रूप में लाती है अब हम नीचे वाला हिस्सा देखेंगे इसको हम लॉजिक पावर एक्चुअली सेकंड फेलिंग्स बोलते हैं उसका काम है लॉजिक जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे बैकबोन में कोई अगर विचार अच्छा हो इंटेंशन हो या पूरा तरह से सोच विचार करके प्लान करके किया हो तो ये विल पावर जो काम करेगी वो अच्छी जगह जाएगी इसको हम एक एग्जांपल देते हैं जैसे कोई मिसाइल है तो उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर रहता है जो उसको गाइड करता है कहाँ जाके फुटना है तो दोनों इम्पोर्टेंट है विल पावर इज़ लाइक अ डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ मिसाइल एंड लॉजिक पावर या लॉजिक पार्ट ऑफ थम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ इंडिकेटिंग वेयर टू ब्लास्ट तो आपको अभी समझ में आया होगा कि ये दो क्यों इम्पोर्टेंट है दीज आर लाइक अ पुली की जो लीवर रहता है जो सीसो के बीच में रहता है तो इस साइड को जाएगा वो उस साइड को जाएगा जैसे ये हाथ है इसमें बहुत सारे निगेटिव साइंस हैं फिर भी अगर पार्ट ऑफ लॉजिक फिंगर बहुत ही अच्छा है वेल डेवलप्ड है और विल पावर का भी अच्छा डेवलप्ड है तो ये वाला निगेटिव है वो दबा रहेगा उससे भी कुछ अच्छा काम वो व्यक्ति कर सकेगा और यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे अच्छे साइंस हैं लेकिन विल पावर और लॉजिक पावर बिल्कुल भी नहीं है छोटा अंगूठा है तो ये एग्ज़ाम्पल हमने पहले दिया था छोटा अंगूठा है तो इसका कितना भी अच्छा है उसका यूटिलाइज नहीं होगा क्योंकि अच्छा प्लानिंग और प्लानिंग के बाद उसको वर्कआउट करना ये दोन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि ये लास्ट वाला बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इन दोनों का एक दूसरे से जो रिलेशन है जो इनका साइज है वो बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है सोचिए अगर विल पावर का जो पार्ट है वो इतना बड़ा हो गया और लॉजिक का छोटा हो गया तो पूरा पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति बहुत डेंजरस है क्योंकि जो मन में आता है विल पावर स्ट्रांग है मन में इसको ख़त्म करूँ ख़त्म कर देगा सोचेगा नहीं तो ऐसे व्यक्ति बहुत डेंजरस रहते हैं अब दूसरा आप ले लो अगर ये लॉजिक वाला बहुत बड़ा है और विल पावर वाला छोटा छोटा सा है तो व्यक्ति प्लानिंग करेगा पेपर पे प्लानिंग करेगा इंटरनेट पे प्लानिंग करेगा वर्चुअल प्लानिंग करेगा वीडियोस करेगा लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन में प्रत्यक्ष रूप में मटेरियलाइज करने में उसका कोई हाथ नहीं रहेगा वो बोलेगा विल पावर ही नहीं है तो प्लानिंग किया लेकिन एग्जीक्यूट ही नहीं किया सो इन दोनों का एक दूसरे से जो रिलेशन है जो साइज़ है वो एकदम परफेक्ट सेम रहना चाहिए अगर लॉजिक ज़्यादा हो गया तो एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं होगा विल पावर ज़्यादा हो गया तो कुछ भी हो जाएगा जैसे हम बोलते हैं अनटारगेटेड मिसाइल तो अपने ही देश ने छोड़ा और अपने ही ऊपर आ गया इस टाइप को वो व्यक्ति ऐसे ही रहता है जो काम करता है इतना गलत काम करता है बाद में उसके ऊपर वो फूटता है तो इनका साइज है ये एक दूसरे को सप्लीमेंट्री होना चाहिए एक दूसरे को पूरक होना चाहिए अगर ये पूरक हुआ तो पूरे हाथ का काम अच्छा करेंगे जैसे हम देख देखते हैं कि हाथ का टेक्सचर रफ है ब्राइट रेड कलर है ये इंडिकेट कर रहा है कि वो व्यक्ति बहुत एंग्री है लेकिन इसका लॉजिक और विल पावर बहुत ही बैलेंस्ड है तो एंगर का उपयोग सिक्योरिटी सिस्टम में जैसे कोई पुलिस हो या आर्मी में काम कर रहा है जो देश की सेवा कर रहा है ये एंगर उसका यूज़ हो रहा है वो धैर्य में रूपांतरित होता है एंगर इज ट्रांसफर्ड इनटू धैर्य तो ये काम थम कर सकता है इसीलिए थम का स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सब कैरेक्टरिस्टिक इससे जस्टिफाई होने के बाद ही हमको बोलना है जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कोई व्यक्ति का मस्तक रेशा बहुत ही अच्छा है लेकिन अगर उसका लॉजिक फिंगर गड़बड़ है लॉजिक पार्ट गड़बड़ है तो ये मस्तक रेशा उतना इंटेलिजेंस नहीं दिखाएगी जितना वो दिख रहा है उल्टा भी है कि अगर ये मस्तक रेशा थोड़ी बहुत पतली है थोड़ी सी ऊपर नीचे जा रही लेकिन द पार्ट ऑफ लॉजिक फिंगर एंड विल पावर इज़ अच्छा है तो ये टेडी मेडी रेशा भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स लाइफ में लाएगी सो so, थम ये जो पार्ट है इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से देख के सारे बाकी के कैरेक्टर्स उसके सामने जस्टिफाई करके फिर हमको इंटरप्रिटेशन देना है तो आप समझ गए होंगे इतने सारे कैरेक्टर्स हैं लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताता हूँ कंट्रोवर्सी कभी भी आपको नहीं मिलेगी तो इसमें यह है ह, कोई भी कैरेक्टर हम देखेंगे तो उसको सब जगह से चेक करके जस्टिफाई करके फिर बाद में बोलना है कोई गड़बड़ मत करना इंटरप्रिटेशन देने का जब सब तरह से तुम्हारे मन में तुम कंफर्म हो गए हो तो ही बोलना उससे पहले बोल बोलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी तो हर कैरेक्टर को दूसरा कैरेक्टर हेल्प करता है या उसको बिगाड़ता है वो कितना बिगाड़ेगा कितना हेल्प करेगा ये सब जान के ये रिलेटिविटी ध्यान में रख के फिर हमको वो कैरेक्टर की इंटेंसिटी बताता है बना बता बताना है हम लास्ट में एक एग्ज़ाम्पल देके ख़त्म करेंगे जैसे आ, एक व्यक्ति की मस्तक रेशा बहुत ही सीधी है बहुत ही सरल है तो नॉर्मली हम इंटरप्रिटेशन देंगे कि वो व्यक्ति बहुत ही कॉमन सेंस वाला है लेकिन अगर उसका फ्लेक्सिबिलिटी हाथ का फ्लेक्सिबिलिटी जो पहले हमने समझाया वो बहुत ही स्टिफ फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसका इंटेलिजेंस है लेकिन वो सिर्फ अपने लिए यूज़ करेगा दूसरे के लिए कभी भी नहीं यूज़ करेगा और ऐसे व्यक्ति का कंसिस्टेंसी बहुत ही हार्ड है तो अपने उद्देश्य सफल करने के लिए कौन से भी स्टेज तक वो जा सकता है और उसके नाखून अगर इस टाइप के हो वो हमने जो बताएँ जो ब्रॉड कम है विड्थ में ज़्यादा है और हाइट में कम है तो वो अपना काम पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है किसी को भी कुछ कर सकता है तो ऐसा एक लाइन का इंटरप्रिटेशन करने के लिए सारे कैरेक्टर्स को देख के फिर हमको लाइन का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा तो ये जाके यहाँ पे हमारा कोर्स ख़त्म होता है तो हम इसके बाद कोई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि जो हमने आपको सब स्टडी मटेरियल दिया है वो उसका उपयोग कैसे करेंगे प्रयोग प्रत्यक्ष में कैसे करेंगे ये आगे हम डेमोन्स्ट्रेशन में बताएंगे धन्यवाद